से आप कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल, एक्चुअली होता क्या है, पिस्टन के अंदर जब वो बर्न होता है तो वो राख छोड़ता है, उसको हम कार्बन कहते हैं। यहाँ पे बराज भाई हाईलाइट डाल दीजिए कि जो चीज़ पेट्रोल डीजल से चल रही है उसमें कार्बन आता है और उसको डीकार्ब कराने की जरूरत होती ही होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल राही 777 0। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी अगेन डिकैब पे रहने वाली है। डिकैबो जो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखी होंगी, डिकैबो का जो बहादुरगढ़ में जो फ्रेंचाइजी थी, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था, वो शिफ्ट हो गई है एक न्यू लोकेशन पर। न्यू लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है तो व्यूवर्स को थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताने के लिए, उसके यूसेज बताने के लिए और बताने के लिए कि प्रोसेस क्या रहने वाला है और बहादुरगढ़ में जो रिस्पांस मिला था जो पहली लोकेशन पे था, उस सबको आज डिस्कस करेंगे हमारे राज भाई के साथ और दिखाएंगे एक और गाड़ी को डिकैब होते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज भाई और हेमंत भाई। तो जानते हैं राज भाई से कि ये फ्रेंचाइजी जो शिफ्ट करी है बहादुरगढ़ टू बहादुरगढ़ में, ये क्यों करी है और क्या रीज़न है और क्या नया रहने वाला है यहाँ पर। तो स्वागत करते हैं राज भाई का। हेलो राज भाई। हेलो। तो बताइए थोड़ा सा इस फ्रेंचाइजी के बारे में जो बहादुरगढ़ में ही शिफ्ट हुई है दूसरा। एक्चुअली ये था कि वहाँ पे हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती थी तो दूसरी गाड़ी के लिए जगह ही नहीं मिल पाती थी, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम थी, लोग पार्किंग कर जाते थे क्योंकि बिल्कुल ही वो मेन रोड पर था और मेट्रो स्टेशन के पास था। तो हमने थोड़ा सा बहादुरगढ़ में ही दूसरी लोकेशन ली है जिसमें काफ़ी चौड़ी रोड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्विस रोड भी है, तो यहाँ पर प्रॉपर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है। तो हमारे जो ये सेंटर चला रहे हैं मिस्टर हेमंत, वो आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ की कैसे यहाँ पे पहुँच के आप इनसे मिल सकते हैं, अपने नंबर बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे। तो हेमंत भाई, आप अपना एक बार मोबाइल नंबर, यहाँ की लोकेशन और यहाँ पे रीच आउट कैसे करें वो बता दीजिए। सर, ये जो है नालेवाड़ा रोड है जो अभी बहादुरगढ़ में बिल्कुल नया ही बना है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ की लोकेशन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी और बाकायदा नेट के ऊपर ये डाली जा चुकी है सर। और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो है 9055003057। एक अल्टरनेट नंबर है जो कि 9999093261। ये गांव सांखोड़ में है अपना, नाले वाले रोड पर नियर गौशाला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो फोर्स गाड़ी डिकैब हो रही है, गाड़ी नहीं इसको आप ट्रक भी कह सकते हैं, इसी वजह से ये लोकेशन रिलोकेट की गई है डिकैबो की, क्योंकि वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ हो पाती थी, बड़ी गाड़ी लगाने में भी वहाँ पे दिक्कत होती क्योंकि मेट्रो स्टेशन के तुरंत नीचे थी। तो उस चीज़ को देखते हुए राज भाई ने पूरी पूरी फ्रेंचाइजी रिलोकेट कर दी है और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ट्रक आराम से यहाँ पे आ जाएगा इस लोकेशन में। आप ट्रक लेके आए, जेसीबी लेके आए, कोई भी व्हीकल लेके आए, इस लोकेशन पे वो सबका सब डिकैब हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं प्रोसेस क्या है और जानते हैं राज भाई से कि यहाँ क्या नया रहने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहले हमारी बहादुरगढ़ की लोकेशन थी उसमें जो हमारे पास कैपेबिलिटी थी वो सिर्फ कार एसयूवी की थी। अब हमारे पास जो यहाँ पे हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करी है, इसमें हम सभी तरह के हैवी व्हीकल कर सकते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉला हो, कोई बड़ी एसयूवी हो या क्रेन हो, जो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं, जेसीबी हो गई, सभी तरह के यहाँ पे हम उसको हम डीकार्बनाइज कर पाएंगे। मीन्स वहाँ पे वो इशू था ही, वहाँ पे जब हमने वीडियो करी थी तो पार्किंग हमें अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग की स्पेस नहीं था, वो इसलिए हमने वहाँ जगह भी कम थी और इसलिए हमने मशीन भी वहाँ छोटी लगाई थी, यहाँ हमने थोड़ा बड़ा लगाया सेटअप जिसमें हम सभी तरह के हैवी व्हीकल भी कर पाएंगे। बाकी हमारे यहाँ स्कूटर बाइक भी होती है, कई लोगों को लगता है सिर्फ कार के लिए है लेकिन हम स्कूटर बाइक, सुपर बाइक, सभी तरह की, मतलब एक मोपेड से लेके और एक बड़े ट्रक तक। यहाँ पे बराज भाई हाईलाइट डाल दीजिए कि जो चीज़ पेट्रोल डीजल से चल रही है उसमें कार्बन आता है और उसको डीकार्ब कराने की जरूरत होती ही होती है। हाँ, जैसे आप कोई भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल, एक्चुअली होता क्या है, पिस्टन के अंदर जब वो बर्न होता है तो वो राख छोड़ता है, उसको हम कार्बन कहते हैं जी। तो ये हर 20-25 हज़ार किलोमीटर पर हर गाड़ी में आ ही जाता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि शायद ये पुरानी गाड़ियों में सक्सेसफुल है, 1 लाख के बाद कराने में फ़ायदा है। 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पर अगर आप कराओगे और उसको अगर आप रेगुलर कराओगे तो एक्चुअली पिस्टन के रिंग्स होते हैं जो कि धीरे धीरे घिस जाते हैं, जिस कारण गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर कराओगे तो पिस्टन के रिंग का घिसना 75% कम हो जाता है। घिसते अभी भी हैं लेकिन सिर्फ उसका जो रेशो है वो 75% रिड्यूस हो जाता है, जिस कारण गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, इंजन की लाइफ भी हम इसमें डबल कर देते हैं। सीधी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने कोई भी रैंडम नई गाड़ी ली, बाइक ली, कुछ भी लिया, 15-20-25 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद हमें लगता है कि गाड़ी में कुछ अंतर ज़रूर आया है, क्योंकि वो नई तो रही नहीं है, कार्बन आ रहा है उसके अंदर। आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसको डिकैप कराते हैं, तो आपको ये महसूस होगा, ड्राइविंग इंप्रेशन आपको सही लगेगा, उसकी एवरेज बढ़ रही है,
गाड़ी डीकैप होने के बाद नॉइस कम हो रही है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो रही है। राइट राइट। गैस तो स्टार्ट कर दिया, अब हम एक एनर्जाइजर जो हम स्पेशल डालते हैं, लिक्विड फॉर्मूला है हमारा, ये हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, ये भी डालेंगे तो आप देखेंगे फ्यूल टैंक के अंदर हम डालते हैं। इसमें हम गाड़ी का कोई पार्ट नहीं खोलते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, सिर्फ एक फ्यूल टैंक में हम एक लिक्विड डालते हैं और एक हम इसको इंजन को डिकार्बनाइज करते हैं, क्योंकि जो फ्यूल लाइन और इंजेक्टर्स हैं वो इंजन से डिकार्बनाइज से नहीं क्लीन होंगे, इसलिए हम इसको डबल क्लीनिंग बोलते हैं, दो प्रोसेस करते हैं हम। नॉर्मल डिकार्बनाइजिंग से ये डिफरेंट है, ये प्रॉपर जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये स्कॉडा ने शुरू की थी, हमारे पास एक्चुअल टेक्नोलॉजी, हम इसको चला रहे हैं और हमारे सबसे ज़्यादा सेंटर हैं इस टाइम, बिगेस्ट ब्रांड है डिकैबो, 17 सेंटर खुल चुके हैं और अभी हमारे इसी महीने 4 सेंटर नए खुल रहे हैं और हमारे 40 करीब सेंटर हमारे साइन हो चुके हैं टिल नाउ। डिकैबो इज ग्रोइंग डे टू डे और भाई साहब का भी काफ़ी साथ है, इन्होंने हमारी 2-3 वीडियोस करी हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिला है। पब्लिक आ भी रही है वीडियो, पब्लिक आ रही है और हमारे को नई फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज भी आ रही हैं आपके थ्रू। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि फ्रंट से क्या प्रोसेस हो रहा है। बात करो अगर प्रोसेस की, तो प्रोसेस जो इसका नॉर्मल गाड़ियों के लिए होता है वो होता है आधे घंटे का, लेकिन ये मिनी ट्रक है तो इसके अंदर 40 मिनट ये प्रोसेस चलने वाला है। होता क्या है कि जो मशीन आपने अंदर देखी उसके अंदर से हाइड्रोऑक्सी गैस को एयर फिल्टर के थ्रू सक्शन किया जाता है इंजन के अंदर और वो गैस जो है इंजन को डिकैप करती है। टू वे प्रोसेस है ये, आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि इसके अंदर एक एनर्जाइजर डाला जाता है फ्यूल टैंक के अंदर। टाइमिंग जो है इसकी बेसिकली वो वेरी करती है इंजन साइज़ पे, अगर आपका 1500 सीसी का इंजन है तो आधे घंटे में हो जाएगा, 1800 से ऊपर है तो 40 मिनट्स तो नीडेड है ही हैं। अब बेनिफिट्स क्या है इस चीज़ के, पहली बात तो ये है कि ये आपके इंजन को डिकैप करता है, इंजन की जो साउंड है या आप नॉर्मल लैंग्वेज के वाइब्रेशन जो आती है उसको कम करता है, आपकी एवरेज जो है उसको कुछ हद तक बढ़ाता है, जैसे आपकी गाड़ी अगर 12 की एवरेज दे रही है मान लीजिए डीजल है तो उसको 13-14 तक ले आता है। मेजर पॉइंट क्या है कि गाड़ी जो वाइब्रेट होती है, जैसे आप देखेंगे कि रेड लाइट पे आपने कार खड़ी करी है तो गाड़ी थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही है, ये उस वाइब्रेशन को कम करता है और ये नेचर को क्लीन रखने में भी फायदेमंद है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है ज़्यादा कार्बन आउटपुट देती है लेकिन ये उसको कम करता है, तो ये नेचर के लिए भी अच्छा है, गो ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर आप इसे कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, जो जर्मन कार से पहले जैसे कि ऑडी वगैरह होगी उसके अंदर क्या होता था कि कंपनी के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती थी। तो एक बार आप आए ज़रूर डिकैबो को किसी भी फ्रेंचाइजी पे, आएँ बहादुरगढ़, रोहिणी, जितनी भी ऑल ओवर बहुत सारी जगह खुल चुका है, आप एक बार आएँ विजिट दें और चेक करें कि एक्चुअली में है क्या। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मेरे साथ थे हेमंत भाई बहादुरगढ़ में, एक बार आप आके यहाँ पे ज़रूर चेकआउट करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।